दोस्तों, एक तरफ जहां चीन और भारत के बीच बढ़ता विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा और अब चीन भारत के साथ एक मीटिंग करने जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत चीन को सबक सिखाने के लिए उसके द्वारा ही बनाए गए संगठन में उसको ही लात मार के बाहर निकाल रहा है। जी हां दोस्तों, ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है जो कि ब्रिक्स संगठन से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर भारत चीन की सभी चाल को विफल करते हुए उसको ही एक बड़े ऐतिहासिक फैसले से दूर रख सकता है। इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा चीन द्वारा जिस तरह से बॉर्डर पर मीटिंग के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है, इसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, चीन को लेकर ही है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको वर्ल्ड अफेयर से जुड़े टॉपिक में इंटरेस्ट है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली लेटेस्ट वीडियो डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, चीन ये कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से ब्रिक्स का विस्तार किया जाए और उसमें उसके जो समर्थन वाले देश है उनको एंट्री देकर ब्रिक्स संगठन का प्रभाव बढ़ाया जाए और ब्रिक्स संगठन में चीन खुद का भी प्रभाव बढ़ा पाए, जिससे कि उसकी बातें बाकी देश इस संगठन में सुने। लेकिन उसकी ये चाल सफल होती हुई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि पहले ही अर्जेंटीना ने इसमें ज्वाइन करने से मना कर दिया, तो वहीं पर एक और मेजर कंट्री सऊदी अरब ने भी साफ कहा है कि हमने अभी तक फैसला नहीं किया है कि हम ब्रिक्स में ज्वाइन करेंगे या नहीं। वहीं पर बिजनेस स्टैंडर्ड की तरफ से जो आर्टिकल किया गया उसके अकॉर्डिंग चीन को बहुत बड़ा सरप्राइज मिल सकता है, क्योंकि ब्रिक्स संगठन में भारत वह कदम उठाने जा रहा है जिसकी एक्सपेक्टेशन चीन ने सपने में भी नहीं की होगी। आप बिजनेस स्टैंडर्ड का यह आर्टिकल अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इंडिया डिसाइड टू स्टडी द प्रपोजल फॉर ब्रिक्स करेंसी माइनस चाइना, यानी कि भारत ने कहा है कि ब्रिक्स करेंसी के ऊपर काम किया जाना चाहिए लेकिन इसमें चीन को इंक्लूड नहीं किया जाना चाहिए। साफ है कि भारत चीन की भारत विरोधी गतिविधि, साथ ही अगर उसमें उसकी करेंसी इसमें शामिल हो जाती तो भारत की करेंसी पर जो प्रभाव पड़ेगा उसकी वजह से चीन को इसमें इंक्लूड नहीं करना चाहता। अब ब्रिक्स करेंसी को सबसे ज्यादा जो सपोर्ट करता है वह रूस है। रूस चाहता है कि भारत और चीन जो काफी भारी मात्रा में तेल उससे खरीद रहे हैं वह एक कॉमन करेंसी को बनाकर खरीदा जाए। अब दोस्तों, ब्रिक्स करेंसी के खिलाफ इस समय सिर्फ भारत है, बाकी देश चाहते हैं कि ब्रिक्स करेंसी बनाई जाए, लेकिन रूस इस समय काफी ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा है भारत के ऊपर, क्योंकि रूस जो तेल वगैरह भारत को सप्लाई कर रहा है, भारत उसकी पेमेंट डॉलर में अगर करना चाहे तो रूस उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि डॉलर के लेन देन पर बैन इस समय रूस के ऊपर लगा हुआ है। इसके साथ ही रूस भारतीय करेंसी को भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। यही कारण है कि भारत और उसके व्यापार में एक बड़ी समस्या खड़ी हुई है और ब्रिक्स करेंसी की जरूरत इस समय दोनों देशों के व्यापार को सही बनाने के लिए जरूरत है। ऐसे में भारत ने कहा है कि ठीक है, हम इसके लिए तैयार हैं, लेकिन युआन जो कि चाइनीज करेंसी है उसको इसमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब दोस्तों, भारत चाइनीज करेंसी को क्यों इसमें इंक्लूड नहीं करना चाहता, साथ ही अक्टूबर में जो ब्रिक्स समिट होने वाली है उसमें क्या ब्रिक्स करेंसी को इंक्लूड किया जाएगा और क्या भारत की बात को माना जाता है, इन सभी चीजों को चलिए समझते हैं। अब दोस्तों, पिछले साल जो ब्रिक्स समिट हुई थी उसमें तो भारतीय विदेश मंत्री ने साफ कहा था कि हम इस करेंसी के बारे में सोच भी नहीं रहे, लेकिन अब क्योंकि रूस भारत के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है इसीलिए भारत ने कहा है कि हम इसके ऊपर स्टडी करेंगे, और क्योंकि अगली मीटिंग अब 6 से 7 महीने बाद होनी है तो भारत के पास एक अच्छा खासा टाइम पीरियड है जिसमें भारत तय कर सकता है कि क्या इससे हमें बेनिफिट मिलेगा या फिर नहीं। यही कारण है कि भारत ने कहा है कि चीन को इससे बाहर रखकर हम ब्रिक्स करेंसी के बारे में स्टडी करेंगे। अब दोस्तों, भारत के लिहाज से देखा जाए तो अगर एक कॉमन करेंसी बनती है तो भारत को ट्रेड वगैरह में तो फायदा हो सकता है, बाकी भारत का इतना फायदा इससे नहीं है जितना रूस और चीन का है इसमें, क्योंकि रूस को जहां सेंक्शन से बचने में मदद मिलेगी तो वहीं चीन डॉलर के कंपैरिजन में एक मजबूत करेंसी बनकर उभर सकता है। यही कारण है कि भारत युआन को नहीं चाहता इसमें इंक्लूड करवाना। हालांकि भारत का सिर्फ इतना कहना है कि इस करेंसी में हम चीन को इंक्लूड नहीं करना चाहते, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा झटका है चीन के लिए। वैसे आपके हिसाब से भारत को ब्रिक्स करेंसी के लिए हाँ बोलना चाहिए या फिर नहीं, अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ जो की चीन और भारत के बॉर्डर को लेकर है। दरअसल दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक बार फिर से सैन्य स्तर की बात भारत और चीन के बीच हुई। भारत और चीन की कोर कमांडर के बीच में ये 21वीं बैठक थी। हालांकि दोस्तों, पिछली 20 बैठक की तरह इस बैठक में भी कुछ सहमति दोनों देशों के बीच बनती हुई दिखाई नहीं दी, लेकिन ये बताया गया है कि इस बैठक में दोनों देश काफी अच्छे माहौल में मुलाकात की और आगे भी इस तरह की बैठक जारी रखने के ऊपर सहमति जताई। वहीं आगे के रास्ते खोलने के लिए भी दोनों देशों के कोर कमांडरों ने सहमति जताई। ये
ये बैठक 19 फरवरी को हुई, जिसको लेकर खबर सामने आई है कि दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई है पूरी तरह से डिस एंगेजमेंट से ही शांति कायम हो सकती है। हालांकि दोस्तों बैठक के बाद भी क्या दोनों देश डिस एंगेजमेंट के लिए तैयार हो पाते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दोनों ही खबरों के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।